करगड़ी मोड़ पर। 2 महीने से मैं यहाँ से जाता रहता हूँ, तो ये जो इधर देख रहे हो आप कैमरा घर लगाओ, ये बेचारे यहीं पर रहती हैं। तो आज इनके पास चलते हैं और पूछते हैं क्या वजह है इनकी यहाँ पर रहने की। बात चलते हैं इधर। आंटी जी नमस्कार, बैठ सकता हूँ यहाँ पर मैं? हाँ जी आप बैठ। कैसे हो आप? आंटी जी मैं एक यूट्यूब चैनल से हूँ, ठीक है। 2 महीने हो गए मुझे यहाँ से निकलते हुए, तो मैं आपको देखता हूँ। अच्छा। आप यहीं पर रहते हैं तो मैं पूछ सकता हूँ क्या वजह है आपकी यहाँ पर आप रहते हो, बताओगे एक बार आप? पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम राज है बेटा। राज नाम है आपका? पूरा नाम क्या है आपका? राज रंधावा। राज रंधावा, पंजाबी हैं? हाँ जी जी। तो आंटी क्यों रहते हो आप यहाँ पर? बेटा मैं बच्चों की बातें सुनते सुनते परेशान हो चुकी हूँ। अच्छी बातों में से बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा। और इस वजह से मैं यहाँ आ गई और यहाँ पे मैं अपना रह रही हूँ। कितना टाइम हो चुका है यहाँ पर? मेरे को हो गया 1.5-2 साल हो गए यहाँ। 1.5-2 साल? हाँ जी। तो अंकल जी हैं? नहीं अंकल जी नहीं। अच्छा, उनकी डेथ हो गई? वो डेथ उनकी तो जब बच्चा छोटा ही था, 10-1 साल का, जब ही हो गई थी। तो बच्चे आते नहीं आते कभी यहाँ पूछने? नहीं कभी नहीं, किसी को सुना ही नहीं होगा, उन्होंने पता नहीं जाओ आना ही नहीं चाहते, देखा भी होगा तो आना नहीं चाहते, पता नहीं। कुछ तो वजह बनी होगी आपको घर से बाहर निकल गए आप। मैं वजह तो कुछ भी नहीं है खास जी। मैं किराए पे रहती थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो उसके बाद मैं किराया नहीं दे सकती मकान का, अलग रहती थी मैं बच्चों से, किराया नहीं दे सकती थी। तो जब मैंने बच्चों से बोला कि मेरा सामान दे जाओ, तो मैं यहाँ बाहर निकाल दिया सामान मकान मालिकों ने जी। तो मैं वहाँ सामान रखना चाहती थी, लेकिन मेरे बच्चों ने सामान नहीं रखा। मुझे 1-2 दिन रखा भी उन्होंने, और फिर वही है कि वो मेरी बहू तो खा के आती थी बाहर से खाया पी थी खाना। आपकी बहू बाहर से खाना खा के बाहर खाया पी थी? अच्छा। और मेरे लिए बना देती थी चावल, और मुझे सूट नहीं करते थे। अच्छा। और जब मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे तो एक मेरा पोता खत्म हो गया। वो छत पे गया तो छत पे रस्सी बंधी हुई थी, उसके गले में छोटी सी रस्सी थी, छोटी सी रस्सी से वो खत्म हो गया, गले में फंदा लगा दिया। बच्चे ने फंदा लगाया? मेरे को ये समझ नहीं आई किसने फंदा लगाया, लेकिन छोटी सी रस्सी से वो मरा पड़ा था बच्चा। जब ऊपर जाके देखा, मैंने देखा नहीं, मैंने तो सुना था। सुनने के बाद कितना टाइम हो चुका है? ये 2016 की बात है ये। और आपको यहाँ पर कितना टाइम हो चुका है? मैं 2006 में आई थी यहाँ। नहीं यहाँ पर इस जगह कितना टाइम हो गया? मेरे को 2 साल हो गया, 2000 यहाँ पर। हाँ 2001-2 साल हो गए मेरे को, ये नहीं पता कौन सा सन था जब मैं आई थी यहाँ पे। तो वो पोता खत्म हो गया, मैं मकान दूसरे मकान में रहती थी, मैंने तो सुना था लोगों से कि मेरा पोता खत्म हो गया। अच्छा। हाँ मतलब मैं गई तो देखा सुना, पुलिस वाले खड़े थे जी, पुलिस वहाँ पे आई हुई थी। तो मैं कह रही हूँ पुलिस क्यों आई हुई है भाई, क्या बात हो गई है? वो तो जीटी भी लेके गई थी उसको, लड़के को, और वो अपना जीटी भी मरे हुए को ले गई, वो उठा के वो अपना खत्म ही बता दिया। तो यहाँ पर लोग आपको परेशान करते हैं? नहीं करते, नहीं आते हैं, स्मैकिए वगैरह तो परेशान करते हैं, और लोग खैर नहीं करते परेशान। जो स्नैक पीते हैं, जो गांजा वाजा जो पीते हैं, वो लोग इन्हें परेशान करते हैं? पुलिस वाले कोई परेशान करता है? पुलिस वाला कोई परेशान नहीं, पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं। कितनी उम्र आंटी जी आपकी? 65 साल की हूँ। 65 साल उम्र है? अच्छा। तो खाना वाना कैसा मिलता है यहाँ पर? खाना यहाँ गैस रखा हुआ दिया मेरे को पब्लिक वालों ने। अच्छा, पब्लिक सपोर्ट करती है पूरा? हाँ पब्लिक सपोर्ट करती है, गरीब तो आते हैं लेकिन जो अमीर है वो लोग निकल जाते हैं और बर्तन कमा के निकल जाते हैं। बेटा वगैरह आया कभी कोई पूछने यहाँ पर? नहीं अभी मेरे पास तो आया नहीं है बेटा, कोई नहीं आया। तो आप जाना चाहते हैं उनके घर पे? नहीं नहीं, मैं बेइज्जती होती है, मैं क्या करूँगी जाके वहाँ पे? बेइज्जती होती है, बेइज्जती करते हैं वो लोग, खाने के पीछे बेइज्जती करते हैं, तो मैं वहाँ नहीं जा सकती। पहले कोई बेइज्जती नहीं होती थी? जब अंकल पहले तो मैं अलग रहती थी अंकल, वो छोटा था जब शादी नहीं हुई थी उसकी। अच्छा। जब वो छोटा था, अब वो शादी शुदा है, बच्चों वाला है, पता नहीं उसकी मानता है या बेटे की शादी हो गई तो माँ को घर से बाहर निकाल दिया बहू के कारण। बहू के कारण ही है ना, मैं नहीं जानती किसका कारण है। अच्छा। अगर मेरा बेटा अच्छा होता, सही बात है, बेटा अच्छा होता तो वो बहू की ना सुनता, दोनों की सुनता, मेरे बेटे ने मेरी तो सुनी नहीं, और उसी की हाँ में हाँ मिलाई। तो वो मतलब खाना बनाती भी नहीं थी, जब बनाती थी तो वो मतलब
अपना ऐसा ही बनाती थी कि मैं सिखाया नहीं जाता था। तो आप पब्लिक से क्या कहना चाहोगे एक बार? पब्लिक से क्या कहना चाहूँगी मैं, पब्लिक वालों से यही कहूँगी कि भाई मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो कर दो भाई। भाई ये लक्ष्मी नगर कड़कड़ी मोड़ है। अगर भाई ये मैं नहीं कहूँगा मेरे व्यूज के लिए कुछ भी, यार कोई व्यूज नहीं चाहिए, बस आंटी का सपोर्ट करो ठीक है। ये कड़कड़ी मोड़ पे लक्ष्मी नगर के फ्लाईओवर के नीचे 2 साल हो चुकी है, कोई सपोर्ट में नहीं आता ये बेचारी। और दिखा दूँ ये व्हील चेयर भी रखी हुई है, ये किसने दी थी आंटी व्हील चेयर? मुझे एनजीओ वालों ने दी थी। एनजीओ वालों ने दी थी और इसकी वायरिंग वायरिंग भी खराब हो गए, टायर इस टाइम खराब हो गए ठीक है। जो मदद हो सके आंटी की करो। अगर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आ जाओ एक बार, ये सारे गैस चूल्हे हैं यहाँ पर, ये देखो बैरिंग का खराब हो चुका है एक्सीडेंट से। आंटी एक्सीडेंट कब हुआ था आपका? ये हुआ 2006 में हुआ था। 2006 में तो पैर बेकार हो गए, चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। ये देखो ये छोटे छोटे सामान है, ये गैस चूल्हे हैं, ये सारी चीजें तो मंडे में ये कह रहा हूँ। जैसे आपकी 60 साल से ऊपर उम्र है तो पेंशन वगैरह मिली नहीं मिली कभी? बेटा पेंशन नहीं लगी मेरी, जब मैं लगवाना चाहती थी जब कहते थे तो अभी जवान है तेरी अभी पेंशन नहीं लगेगी जी, और जब मैं लगवाना चाहती हूँ तो भैया मैं जा नहीं सकती तो मैं कैसे लगवाऊं? डॉक्यूमेंट है आपके पास सारे? क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, फिर पैन कार्ड है। दिखा सकते हो इस टाइम है आप? इस टाइम है आपके पास? हां है मेरे पास। दिखाओ एक बार, दिखा दो मुझे। बेचारी उठ भी नहीं पाती, लेटे लेटे सारे काम कर रही है। यहाँ पर रखते हो आप सारा चीज? हाँ। और कोई चोरी करके ले गया तो? मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, दिन में मैं सोती हूँ कभी। अच्छा, दिन में नींद पूरी कर लेती हूँ, रात को नहीं सोती। ये आपका है राज रंधावा? ओहो एक इनका पीछे से एड्रेस। और ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये पैन कार्ड आपका? ये पैन कार्ड है। ये पहचान पत्र दिखाओ एक बार। आधार कार्ड है। आधार कार्ड ये पहचान पत्र है तो वो ये वोटर आईडी है। ये वो है राशन कार्ड, राशन में लेने नहीं जा पा रही, मजबूर हूँ चल नहीं पाती इसलिए मैं राशन नहीं ला रही। राशन कार्ड भी है, सारी चीजें, बट इनको पेंशन नहीं आ रही है। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, इनकी पेंशन करवा दो और इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। यही है, हाथ जोड़ के विनती है, और सब आओ आंटी को सपोर्ट करो यार।